समारोह के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को जिस तरीके से आलिंगन बद्ध कर रहे हैं। सर सर जरा आइए, सर आगे, सर सर आगे, आप कुछ बोलिए सर। ये सर राजनीति की बड़ी तस्वीर है, बहुत खुशी की बात है कि आज सरकार बन गई और आज शपथ भी हो गया हम लोगों का, और बहुत जल्दी बाकी मंत्रियों के बारे में भी हम लोग निर्णय लेकर के उसका शपथ ग्रहण कराएंगे, और जल्दी ही हम लोग एक बार हाउस भी बुलाएंगे, विधानसभा को भी बुलाएंगे, और जहां पर जब नई सरकार बनी है तो हम लोग हाउस में भी हम लोगों के प्रति जो वैसे तो बहुमत है ही लेकिन एक परंपरा है उसके लिए भी हम लोग अब आज ही बैठ करके उसका तारीख तय कर लेंगे, और तारीख तय करके हाउस को भी हम लोग विधानसभा को भी। बीजेपी विश्वासघात दिवस मना रहे, कार्य विश्वासघात किया है और विश्वासघात दिवस महाधरना पर बैठे हैं सारे लोग। क्या करता है वो सब छोड़ दीजिए, बाकी लोग बताएंगे, और जब वो सब जितना बोलते रहेंगे और जब जरूरत होगा तो कभी सब बता देंगे क्या हुआ है। आप जरा सा सोच लीजिए कि हम लोग जो छोड़ करके उधर चले आए, जरा पिछली बार 17 में तो वो जो एक हमने कर दिया और उसका साथी आए, और फिर जब साथी लड़े तो आप जरा हमारे जितने लोग हैं पार्टी के जितने लोग हैं उन सब लोगों से जरा पूछ लीजिए कि क्या सबकी स्थिति हुई है, किससे पूछिएगा। लेकिन फिर भी हम तो चाहते नहीं थे बनना, हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझ पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना, और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं, आप उनसे क्या क्या किया गया है, तो जो कुछ भी किया गया है उसको ठीक नहीं लगता था आप, इसीलिए हम कह रहे हैं। तो अंत में हमारे पार्टी के लोगों में बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद उन लोगों ने जब बातचीत किया और सारे इन लोगों से पूरी बातचीत अंदरूनी हो गई और ये बात हुआ, तो कल ही हम लोगों का फैसला हो गया। क्या अमित शाह जी ने बात की थी, अमित शाह जी ने बात की थी, अमित शाह सोच लीजिए जो वापिस फिर वहीं चले गए, और जहाँ पर जब था तो आप जरा सोचिए ना, हम लोगों का 15 में कितना सीट जीते थे, और जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तो क्या हुआ है, 20 में क्या स्थिति हुई थी, तब तो सब हो ही न गया, ये सब तो सब समय पर चलेगा। बीजेपी कह रही है कि यहाँ भी 2025 तक नहीं रहेंगे। अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार आप, नीतीश कुमार ये साफ करते हुए कि उन्हें जो कहना है, यानी बीजेपी को जो कहना है वो कह सकती है।